बिहार का मान बढ़ा है और बिहार के सरकार को भी मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने भी प्रशासन की सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था की। आप विरोध भी लोग कर रहे थे लेकिन हमने तो कहीं मनोज तिवारी जी, डीएसएस एक्टिव हो गई है, तेज प्रताप यादव एक्टिव करके कह रहे हैं कि बाबा को आने नहीं देखे, नहीं कहीं पर देखिए। मेरा सभी से प्रार्थना है कि हनुमान जी की कथा का विरोध मत करिए और धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री जी की कथा उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो किसी न किसी अफवाह में या किसी न किसी मिस इन्फॉर्मेशन में विरोध कर रहे होंगे। बिहार की सरकार सुरक्षा का इंतजाम भी करी है और अच्छे तरह से इसका परमिशन भी दिया है और अगले 5 दिन तक पूरे संसार में अगर बाहर कहीं होगा तो बिहार में होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया, क्या उम्मीद है वो आएंगे? नहीं, आना ही चाहिए। देखो इतने लोग जिनकी कथा के दीवाने हैं तो उनको आना चाहिए, अगर समय निकले तो 4-5 दिन में। मैं भी कहूँगा, मैं एक बिहारी होने के नाते कहूँगा कि नीतीश जी को भी, तेजस्वी बाबू को भी, सबको, तेज प्रकाश जी को भी आना चाहिए। हिंदुत्व की बात करते, हिंदू राष्ट्र की बात करते, विरोध इसी पर उनका है, ममता बनर्जी हुए, तमाम लोग ये बातें कह रहे हैं। कोई भी बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी संविधान के दायरे के अंदर करते हैं और अपने अपने धर्म के प्रचार का सबको अधिकार है, लेकिन दूसरे के धर्म का अनादर करते हैं क्या? नहीं, वो सभी के धर्मों का सम्मान भी करते हैं, इसलिए इसमें किसी तरह के कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं। पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम हो रहा था, ईद के मौके पर रमजान अदा का नमाज अदा करने के लिए मौका मिलता है, मगर आप लोग को जगह नहीं दी गई, कहा गया कि सुरक्षा जो है वो नहीं हो पाएगी, भेदभाव किया गया, क्या नीतीश कुमार की सोच? इस बात को अभी छोड़ देते हैं, बिहार में कथा हो रही है, हमें बहुत प्रसन्नता है।